अच्छा डैड, आप पहले बालकनी सांता बनना। ठीक है, सोने का वक्त हो गया बच्चों, क्रिसमस कल सुबह है। हुरे, क्रिसमस! इसका मतलब बालकनी सांता आज रात को आएगा। हुरे! अब वो सिर्फ सोए हुए अच्छे बच्चों को ही प्रेजेंट्स देता है। गुड नाइट डैड। तो देखना नहीं वरना प्रेजेंट्स नहीं, समझे? क्या इसने देखा? नहीं नहीं, मैं सोई हूँ, मैंने नहीं देखा। ऐसा है तो ठीक है। हो हो और हो। उठो बच्चों, आज क्रिसमस है। हुरे! देखो जरा बालकनी सांता ने कुछ रखा है या नहीं। मुझे ग्लोब मिला बर्फ का, मुझे दाढ़ी का क्रीम, मुझे पेंसिल बॉक्स मिला। ये मेरा पेंसिल बॉक्स है। डैड! बिंगो, छीनना नहीं, ठीक है? पर ये मेरा है। इस खेल में वो ब्लूई का है, बाद में लौटा देगी। देखो परियों ने संदेश छोड़ा है, ये तो डैड का पिक्चर है नाचते हुए। अरे ये बदबू वाले निशान क्यों दिख रहे हैं मेरे पीछे? परियों को आप बदबूदार लगते होंगे। क्या? शायद वो चाहती हैं कि तुम पोस्ट बॉक्स के सामने डांस करो। क्या, मैं डांस नहीं करने वाला? डैड, डांस करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी कर लो परियों, मैं तुमसे नहीं डरता। देखा, कुछ नहीं हुआ। बिंगो! परियों ने बिंगो को फ्रीज कर दिया। गलती आपकी है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं परियों। तो तुम्हें पता है ना क्या करना है? अरे नहीं। मैं स्पीकर लाती हूँ। अरे नहीं, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। रोलर स्केट्स अच्छे हैं, बैंडेज। खुद की मत सोचो, तुम्हें परियों के श्राप को नाकाम करना है। ठीक है, बस एक बात है, सुनो फ्रोजन बिंगो, मॉम की याद आ रही है? हाँ, खेल से मेरा दिल कुछ देर के लिए ही बहलता है, प्लीज क्या आप उन्हें वापस बुलाएंगे? ठीक है, थैंक्स डैड। बस मॉम को इस बेबी शावर में जाने का बहुत मन था। मुझे ये बात समझ नहीं आती, किसी गंदे बच्चे को शावर लेते हुए देखने में क्या मजा आता है। डैड, बेबी शावर ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है, मॉम और उनकी सारी दोस्त मिलकर किसी गंदे बच्चे को नहलाने जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बेबी शावर। आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं ना? तो वो होता क्या है? ये उस लेडी के लिए पार्टी होती है जिसके पेट में बेबी होता है। सचमुच? आपको पता है प्रेजेंट्स मिलते हैं? हाँ, पर वो बेबी के लिए होते हैं। छोटे बच्चों को प्रेजेंट में क्या मिलता है? वो पता नहीं, शायद खिलौने या फिर गुड़िया। हाँ, और कपड़े। अरे हाँ, बेबी के प्यारे कपड़े। एक सेकंड के लिए रुक जाओ पड़ोसी, आज इस सब का फैसला करना ही पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आप? मैं बस प्यार से पूछूंगी। सुनिए पड़ोसी, आपने मेरा छत तोड़ा, इसलिए अब एक अच्छे पड़ोसी की तरह आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? प्लीज उसे ठीक करो। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। प्लीज इसे ठीक करो। ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। शुक्रिया पड़ोसी। माफ करना, कभी कभी मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, मुझे लगा इससे दिल बहल जाएगा। ओह, आपको पेट्स पालने चाहिए। अच्छा, ओह, तो अब बिंगो की बारी। फिकर मत करना, मैं प्यार से ही पूछूंगी। ओह, यही पर रहो पेंगुइन्स। अरे ये क्या, अब तुमने मेरे घर में पेंगुइन्स लाके रख दिए। नमस्ते, क्या आप पुतला खरीदना चाहेंगे? ओ हाँ, मैं जरूर पुतला खरीदना चाहूँगा। मैं, रुको एक मिनट, कहीं ये जादू के पुतले तो नहीं है? अरे नहीं, ये जादू के नहीं है, ये तो सादे ही पुतले हैं। बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे इसका अच्छा अनुभव नहीं है। ओ, गेम पॉज करो। बीप। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकाल। डैड, बदबू। तो तुम बाहर इंतजार कर सकती हो बेटा। बूप, अनपॉज। ठीक है, मुझे ये वाला दे दो प्लीज। पूरे 400 रुपए होंगे। थैंक यू। ये पुतला आपका हुआ। अब ये पुतला कहाँ पर अच्छा लगेगा? ओ हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। अरे मैंने पैसे वापस नहीं लिए। हाय। शायद मैं मेरे छुट्टे पैसे भूल गया। ओ हाँ सर।
शुक्रिया दुकानदार जी, अब मैं मेरे पुतले को ले जाता हूँ जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। अरे ये यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने वहाँ रखा था। अगर आपको बहुत सारा ऑर्डर करना है तो दो ले लो। मेरा नाम बिंगो नहीं है, मेरा नाम टैप गोल है। मैं ये ले लूं डैड, मुझे टैप गोल की ऑर्डर लिखनी है। तो मैम क्या खाएंगे आप? मैं स्प्रिंग रोल्स देख कर आता हूँ। मेरे लिए कुछ तीखा लाना प्लीज। बिल्कुल, मैं अभी ले आती हूँ। या ये चिपचिपा है। मुझे टैप गोल, मुझे नहीं लगता ये तुम सचमुच खा सकती हो। मुझे भूख लगी है। तीखा है। अभी तैयार नहीं है। हे, मेरा खाना। बहुत तीखा है। अच्छा अच्छा, यहाँ आओ बेटा। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर मुझे बाथरूम जाना है जोर से। अरे नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ओ ब्लूई, ऐसा सोचना भी मत। यहाँ आसपास टॉयलेट है। रिबिट, ओ, तुम्हें कुछ चाहिए छोटे मेंढक? रिबिट, सुनो छोटी मेंढक, क्या तुम ये पाइप खरीदना चाहोगी? हाँ, किसी को मेरे पाइप नहीं चाहिए। मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? ओह, डांस। वैसे मुझे डांस हमेशा से ही पसंद था। रिबिट, देखता हूँ मुझे कुछ याद भी है या नहीं। रिबिट, ओह हाँ, अब खोने के लिए बचा ही क्या है। दादी माँ आ गई। लुई के इस एपिसोड का नाम है दादी माँ। रात के खाने के लिए कुछ सब्जी लाना ना भूलना रीटा। कुछ कहा तुमने जाने? दुकान बंद है माँ जी। माफ करना, मैंने कहा दुकान बंद है। उसकी चिंता मत करना बेटा, वो सिर्फ सब्जी लेने आई है। अरे सब्जी कहाँ है? देखिए अच्छा होगा अगर। ओ माँ जी उठिए। सोचा थोड़ा आराम कर लूँ बेटा। मुझे मेरी फेवरेट सब्जी नहीं मिली। आपके हाथ में क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा। सुनिए, आपको सब्जी के पैसे देने होंगे। भागो रीटा। मेरा पैर फिसल गया। बिंगो, तुम्हें ठीक से खेलना होगा। तुम सिर्फ दादी माँ वाले काम कर सकती हो। दादी माँ फ्लॉस नहीं करती। वो करती है। अरे हनी हॉर्स, हम सही रास्ते पर हैं ना? या। ये क्या, कितने बदतमीज है ये? क्या कितने बदतमीज है? मुझे कॉपी करना बंद करो। मुझे कॉपी करना बंद करो। हाँ, शैतान कहीं के लड़के सयाने, हर को ये जाने, लड़के है बुद्धू, बना दो इन्हें कद्दू। हाँ क्लोई, मुझे राजकुमारी बनने दो, मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है। हाँ? लड़कियाँ है सयानी, सबसे जानी मानी, लड़के है बुद्धू, बना दो इन्हें कद्दू। आपने हमें हरा दिया राजकुमारी। अगर मदद चाहिए तो आवाज दे देना। वाह शुक्रिया। हम आ गए, यही वो गांव है जहाँ मैं बड़ी हूँ। बहन को तंग करना बंद करो। पर उसने मुझे पहले तंग किया, बाद में तुमने मुझे परेशान किया। कोई किसी को तंग नहीं करेगा, पहले या बाद में। पर डैड हमेशा हमें तंग करते हैं। क्या, मैं कब? जैसे पासवर्ड। पासवर्ड, मुझे जाना है। सॉरी, यहाँ बहुत ही सीक्रेट जानकारी रखी हुई है, पासवर्ड के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। नारियल, फ्रेंच फ्राइज, डैड। इसे तंग करना थोड़ी कहते हैं। पासवर्ड तंग
करना ही है। अच्छा, नाम बदलने का क्या? अरे नाम बदलने में क्या बुरा है? तुम्हारे नाम बहुत बोरिंग हो गए हैं बच्चों, मैं उन्हें बदलने वाला हूँ। क्या? अब से तुम्हारा नाम होगा शरलैंडा। शरलैंडा? और तुम्हारा होगा डेनिस। डेनिस? डैड। बोलो शरलैंडा। मेरा नाम शरलैंडा नहीं है। हाँ वही है शरलैंडा। मुझे डेनिस नाम से मत बुलाइए। मैं तो बुलाऊंगा। बैठो। बैठो। मेरा सोफा, यहाँ हो क्या रहा है? ओह, शॉन आ गया। मॉम वो मेरी सुन नहीं रहा। ओह अच्छा, शॉन बैठ जाओ। वाव। अच्छा बच्चा, ये आपने कैसे किया? बस शांति से और समझदारी से रहो, वैसे वो बहुत ही सीधा साधा है। शॉन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शॉन, शॉन ये अच्छा बर्ताव नहीं है, समझ गए तुम? ओह, इसे पालना बहुत मुश्किल है। पता है इसे इस वक्त क्या चाहिए? क्या? हाँ, क्या? घूमना। हाँ, घूमना। बहुत अच्छे। याद रखना ब्लूई, शांति और समझदारी से। शांति और समझदारी, समझ गई। अरे नहीं।